निशा डिजाइनर चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाएं। सिलाई से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल सिलाई आर्ट चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जो मैंने अभी जैकेट कटिंग की हुई है उसकी मैं स्टिचिंग बता रही हूँ, वो शेरवानी। तो चलिए अब शेरवानी शुरू कर देते हैं। देखिए एक पीस मैंने ये तैयार कर दिया आगे का, अब मैं ये आपके सामने तैयार कर दूंगी ये वाला। ये ऐसे है, ये देखिए सीधा पीस अंदर और इसके ऊपर रखें और ये पूरा स्टिच करें यहां से। यहां से इसको सीधा करेंगे जो ये सब तिरछा है। यहां से यहां तक ये जो कट डाला हुआ है मैंने, इसको यहां पे सीधा करेंगे ऐसे स्टिचिंग। और बाकी का हिस्सा ये वाला सिल लेंगे मुड्डे के बाद। गांठ बन जाती है उसके बाद इसको पूरा पलट लें। अब पूरी स्टिचिंग कर लें दोबारा से इसके किनारे पूरे। इसको ऐसे कलर में जो यहाँ से है हमारा चोंच जो इसको रह गया था इसको कटिंग कर तब पर ताकि गांठ ना बने और अच्छे से कलर है। बस जहाँ से लगा अब इसको निकालने से इस तरीके से हमने ये तैयार कर रखा है। ये हो गया दोनों फ्रंट, ये देखिए ये गला हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक कॉलर आएगा। इस तरीके से हमने पूरा ये तैयार कर लिया और इसके मुद्दे हम मिला के और इसकी जो कमी है हमारी गोलाई में इस तरह से खसक जाता है, गोलाई में थोड़ी बहुत रह जाती है, तो हम इसको दोबारा से ऐसे कट कर लेंगे। ये बढ़ रहा है जो अच्छे से हमने आगे की गोलाई भी कटिंग में नहीं की हुई है तो इसको आगे की गोलाई थोड़ी अच्छे से दे देंगे। ये हो गया हमारा दोनों पीस तैयार हो गया। ये हमारा बैक हिस्सा हो गया है तैयार। इस तरीके से हमने पूरे किनारे हमने स्टिचिंग करनी है पूरा एकदम फिनिशिंग आगे पीछे ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमने ये बाजू की स्टिचिंग कर ली है इस तरीके से। तो अब हमारा ये पूरा तैयार हो गया। अब हम इसमें जेब लगाएंगे। जेब के लिए हमें एक पीस उठाना है ऐसे करके, ये देखिए ये हमारा सीधा हिस्सा है, ये हमारा सीधे हाथ का पल्ला है, ये हमारा उल्टे हाथ का पल्ला है। तो हम सीधे हाथ पे कुछ नहीं करेंगे, उल्टे हाथ का पल्ला उठा के और इसको यहां से नाप लेंगे। यहां से 2.5 इंची छोड़ के और इससे थोड़ा सा यहां से 2.5 ये बटन में चला जाएगा इतना हिस्सा, और उसके बाद हम यहां से 3 हिस्सा तक छोड़ेंगे और यहां से 3 इंची लेंगे इतना नीचे आके ये, और एक निशान बनाएंगे यहाँ पे 3 इंच 3.5 का जेब लगानी है। जेब के लिए ही निशान बना रहे और यहाँ तक। उसके बाद ये कपड़ा हमने पेस्टिंग देखिए तैयार कर रखा है,
इसको भी इतना ही बीचों बीच में रख लेंगे, ये जो नापा है हमने यहाँ से और यहाँ तक ऐसे। ठीक, उसके बाद एक कपड़ा हम यहाँ पे लगाएंगे एकदम ज्वाइंट में और इसको भी ऐसे ही निशान बना लेंगे ऐसे, एक पैर इधर और एक पैर इधर के साइड में, और दोनों को ज्वाइंट चिपका के रखेंगे और स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये दोनों हिस्सा बराबर देखेंगे, हमारा बराबर हुआ है। फिर हम बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ये चौड़ाई हमारी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, थोड़ा चौड़ा। और इधर से देख लेंगे, ये देखिए बिल्कुल इक्वल है, तो इसको ऐसे कट कर लेंगे थोड़ा सा उठा के, इसका कोना तक काट लेंगे, इसका कोना काट लेंगे ऐसे, यहाँ से भी इसका कोना सेम काट। उसके बाद इसको ऐसे और इसको नीचे के साइड में ऐसे मोड़ते हुए इस पर एक सिलाई मार लेंगे। और यहाँ इसको भी अंदर करके ऐसे जेब है हमारा, दोनों हिस्सा ऐसे निकाल के ये तो हमारा अंदर जाएगा ऐसे, और ये यहाँ स्टिचिंग हो जाएगा, ये हमारा इसको ऐसे जोड़ लेंगे, ये नीचे की साइड आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। अभी हम इसको जोड़ लेते हैं दोनों को, पहले इसको हम पहले वो लगाएंगे सिलाई यहाँ पे, इसे बिठा के सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में, इसको छोड़ देंगे ऐसे। तरीके से हमारी सिलाई चली गई है, अब ये वाली सिलाई लगा लेंगे। और इसको भी अंदर के साइड में ऐसे मोड़ के इस तरीके से जेब तैयार हो गया छोटा सा ऐसे, और अब हम इसका सिलाई लगा देंगे ऐसे। हम दो सारे पल्ले जोड़ देंगे आपस में, कंधे की सिलाई लगा देंगे। यहाँ से फिटिंग लगा लेंगे, पहले बाजू जोड़ के फिटिंग लगा लेंगे इस तरीके से, इसकी यहाँ से करके हम इस पे बाजू लगा लेंगे। बाजू मैंने तैयार कर रखी है, ये आगे ऐसे कटिंग करके ऐसे आगे का, देखिए ये आगे का पल्ला है तो आगे वाला फट डाले रखे इस पे, और पहले नाप लेते हैं हमारा ये बराबर है, पूरा बराबर है, थोड़ा सा बड़ा है, और थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से लेके पक्की सकते हैं।
यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके बाजू भी मुझे अब दूसरी बाजू भी ऐसे तैयार करें। ये देखिए दोनों तरफ को हमने बाजू जोड़ लिए और जो ये एक्स्ट्रा है इसको कट कर लें। और इस साइड को बाजू को अब इसकी फिटिंग लगा लें। यहाँ से बाजू से पूरा ये थोड़ा लूज रहता है कुर्ते में, वो शेरवानी कुर्ता वगैरह जो अगर सिल है तो ये मुहरी जो होता है वो भी होता है। आप इसको चार साढ़े चार रख सकते हैं। यहाँ से साढ़े तीन इंची छोड़ के साइड में भी कर दूसरी बाजू में आपने ऐसे इसको भी नाप है ऐसे यहाँ पे ऐसा लेंगे दोनों साइड पे ऐसे लेके और यहाँ पे हाथ करके मच्छी मानी तैयार हो गई। ये बटन और काज बटन के लिए है, अंदर नीचे ऊपर ऐसे करके इसमें काज बटन हो जाएगा। यहाँ आप फैंसी बटन लगा दे, आप कॉलर लगाएंगे कॉलर लगा लेते हैं। कॉलर का हिस्सा बस यहीं तक है, ये जो हमने छोड़ रखा है यहाँ से नापेंगे और इसको यहाँ से नापेंगे। नाप लेते हैं इसको यहाँ पर साढ़े तेरह है पूरा ऐसे बनिए। और अभी इसको स्टिचिंग करिए, कंधे पे खुल रहा है और इसको फिर से कपड़े के ऊपर रखो कॉलर आ जाएगा। हम इसको ऊपर से काट लेते हैं ऐसे बुकरम फोल्ड करके। इसी को रख लेंगे ताकि हमारा बार बार छोटा बड़ा ना हो, ऐसे फोल्ड हिस्से की तरह फोल्ड हिस्सा ऐसे फोल्ड से इधर फोल्ड से और एक निशान लगा देते हैं हमें दोनों पल्ला पहले से इसे इक्वल कर लेंगे। और यहाँ से इसकी गोलाई ऐसे कर लेंगे और एक फिर यहाँ से भी राउंड कॉलर आएगा। अब इसको एक बार और नाप लेते हैं हम फिर से यहाँ से नाप लेते हैं। आइए हम देखिए एकदम बराबर है और इसको कपड़े पर लगा दें। ये कपड़ा है ऐसे करें इसको
थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐसे देके बाजू को हमारे पास कपड़ा है ये वाला जो लेते हैं बाजू का थोड़ा मैचिंग हो जाएगा बस बचा है एक अस्तर का ले लिया एक बाजू का ले लिया ऐसे राउंड में कटिंग कर इसी के बराबर करते हैं और इसको पहले हम इस पर रख के सिल देते हैं ऐसे ये वाला जो इसके जो बाजू का कपड़ा है अस्तर नीचे लगाएंगे तो अस्तर नीचे रखते हैं इसको ठीक है ऐसे सिल के अब इसके ऊपर हम रख लेते हैं ऐसे नीचे साइड जैसे काटा था और इतना कपड़ा छोड़ के ये स्टिचिंग के लिए और ऐसी शेप में हम इसकी सिलाई लगा देंगे यहाँ से लेके एक कपड़ा ऐसे निकाल लीजिए जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है दूसरी साइड से भी इसलिए ये जो कपड़ा ऐसे छोड़ा है हमने यहीं से ऐसे अटैच देखो सीधे उल्टे की तरफ मैंने रखा है और यहीं से अटैच करके पकड़ के ऐसे जो मुड्डा आता है उसको ऐसे रोल करते हैं जैसे बाजू देखिए फिर इसको ऐसे पकड़ते हुए आगे के साइड में ऐसे रखते हुए के ऊपर ये ऐसे बना ले ये देखिए ये इसके ऊपर ऐसे बटन आ जाएगा और ये ऐसे कॉलर आ जाएगा एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाएगा और ये यहाँ से बटन आ जाएगा देखिए इस तरीके से ऐसे पूरा ये शेरवानी तैयार हो गया है मेरा ये कॉलर ऐसे लगा दिया आपके सामने में जैसे और ये पूरा ये जेब वगैरह भी ऐसे हाथ डाल के अभी तैयार किया ऐसे पूरा बाजू भी ये पूरा ऊपर तैयार हो गया आपका शेरवानी। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जब तक के लिए धन्यवाद।